श्रीमान प्रभात झा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मैं श्रीमती ज्योति दुर्वे जी, इस क्षेत्र के हमारे कर्मठशील विधायक भाई चेतराम मानेकर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष और विधायक बैतूल से आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बसंत माकोड़े जी, घोड़ा डोंगरी के विधायक आदरणीय मंगल सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई कमल पटेल जी, संतोष पारिक जी, कार्यकर्ता भूले नहीं होंगे। एक बार जब मुझे खबर लगी कि बगडोना वाली सड़क बहुत खराब है तो अचानक हेलीकॉप्टर से उतर के और मोटरसाइकिल से उस सड़क का भ्रमण किया था और उसके बाद वो सड़क बनी थी। सारणी के लोग बहुत अच्छे हैं, पूरा लघु हिंदुस्तान सारणी में बसता है। मैं सारणी और आमला की जनता को प्रणाम करता हूं और आज आपके पास एक संदेश लेके आया हूं। अभी विधायक जी अपने बहुत से काम गिना रहे थे, ये बात सही है, इतने विकास के काम कांग्रेस ने कभी 50 सालों में नहीं किए। हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़कों का निर्माण हो, बिजली देने की व्यवस्था हो, उन सारे कामों को मैं गिनाना नहीं चाहता जो चेतराम मानेकर जी ने आपको गिनाए हैं। लेकिन मैं निकला हूं तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए निकला हूं और सारणी वालों, सारणी की तस्वीर और यहाँ की जनता की तकदीर बदलने निकला हूं। आप जब मैं पिछली बार आया था, आज सब लोगों ने मुझे कहा था कि सारणी विद्युत उत्पादक क्षेत्र है, पावर का सेंटर है, पावर प्लांट का सेंटर है। अब एक इकाई तो हमने पहले बना दी, आप जानते हैं, बाकी पुरानी हो गई थी और पुरानी होने के कारण बंद करना इसको मजबूरी हो गई थी। लेकिन सारणी वालों, आज ही मैं आपको ये शुभ समाचार दे रहा हूं कि क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित 660 मेगावाट क्षमता की नवीन इकाई की स्थापना सारणी में की जाएगी। इस इकाई का डीपीआर तैयार हो गया, उसके लिए सलाहकार नियुक्त हो गया और कल बोर्ड की मीटिंग है जिसमें इसको अप्रूवल मिल जाएगा 660 मेगावाट की पावर प्लांट को। अब इस पर तो जरा जोर से ताली बजा, क्योंकि मैं जानता हूं सारणी के प्राण दो चीजें हैं, एक पावर प्लांट और दूसरे कोयला खदाने। अब मानेकर जी सारे काम गिनाए जा रहे थे, 2 लाख का ये किया, 5 करोड़ का ये किया, 10 करोड़ का ये किया, 25 करोड़ का ये किया, आमला में 132 का सब स्टेशन बनवाया, कहीं सड़कें बनवाई 232 करोड़ की। महाराज इकट्ठे लगभग 8,000 करोड़ रुपए की सौगात सारणी को मिलने वाली है और इस सौगात के कारण यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पिछली बार चिंतित थे हमारे सारणी के भाई और बहन, मेरे बीएमएस के साथी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सब में मिलकर एक ही बात कही थी कि सारणी में बस पावर प्लांट आना चाहिए। और बावजूद इसके मैं पावर प्लांट ला रहा हूँ कि आज बिजली की कमी नहीं है, सरप्लस पावर है हमारे पास। आज हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन सारणी वालों, मैं सारणी को उजड़ने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे, सारणी को नहीं उजड़ने। और फिर जुट करके मैंने तय किया कि पावर प्लांट तो लगेगा, बिजली बनाएंगे, जरूरत पड़ी कहीं बेच लेंगे, देखा जाएगा, मतलब पावर प्लांट बनेगा। आप चिंता ना करें, मेरे कुछ मित्रों का ट्रांसफर अभी एनटीपी जो हमारी खंडवा जिले में जो नया पावर प्लांट चालू हो रहा है वहां लगाइए, वो अस्थाई है, वो चिंता ना करें, जब तक वो वहां रहेंगे तब तक उनके घर भी यहाँ सुरक्षित रहेंगे। और वहां वो काम इसलिए करेंगे कि नया पावर प्लांट हमको चालू करना है, वहां का काम पूरा होते ही यहाँ का काम जब प्रारंभ हो जाएगा तो सबको वापिस बुला लिया जाएगा और सारणी में रहकर ही वो काम करेंगे, इसकी व्यवस्था भी मैं करूंगा। दूसरी चीज, मेरे बहनों और भाइयों, मेरे पीयूष गोयल जी से चर्चा हुई है, क्योंकि यहाँ दूसरे प्राण अगर हमारे हैं जिससे रोजगार मिलता है, पाथा खिलना, सारणी, इस पूरे इलाके में बगडोना, पूरे इलाके में कोल माइंस, ये रोजगार देती है, कोल माइंस से
ऊर्जा भी बनती है। पर इतना जरूर है कि सुपर क्रिटिकल जो 660 मेगावाट का पावर प्लांट है उसकी कॉल लिंकेज में और पर्यावरण की स्वीकृति में कुछ समय लगता है। आप लोग जानते हैं प्रबुद्ध है कि पर्यावरण की स्वीकृति में कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, वो औपचारिकताएं जरूर पूरी करने में जितना समय लगेगा लगेगा। और कॉल लिंकेज की हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस पावर प्लांट के लिए हमको कोयला चाहिए और कोयला भी एक रेट का कोयला भी चाहिए, इसलिए कॉल लिंकेज की हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये 660 मेगावाट का पावर प्लांट भी लगेगा। और एक और खुशी, सारणी में गांधी ग्राम और तवा 3, अभी मानेकर जी कह रहे थे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। अरे सबसे बड़ा सूत्र यही है, इससे विश्वस्त सूत्र कौन सा होगा मेरे बहनों भाई। मैं पिछले दिनों दिल्ली गया था और मैंने पीयूष गोयल जी से कहा ये सारणी की 2 खदानें तो चालू करनी ही पड़ेगी। और आज मैं आपको शुभ समाचार दे रहा हूँ, भारत सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है, इसमें मैक्सिमम 6 से लेकर 8 महीने का समय इनको चालू करने में लगेगा, लेकिन चालू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और ये 2 खदानें खुलेंगी, नई खदानें प्रारंभ होगी तो मेरे बहनों और भाइयों रोजगार के नए अवसर प्रारंभ हो जाएंगे। केवल डायरेक्ट रोजगार नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, किसी की चाय की दुकान चलेगी, किसी का पान का ठेला चलेगा, किसी की गाड़ी चलेगी, किसी का ट्रक चलेगा, अलग अलग रोजगार मिलेगा। और बहनों और भाइयों अपना सारणी पाथा केड़ा फिर गुले गुलजार हो जाएगा, ये उजड़ेगा नहीं, नए ढंग से बसा दिया जाएगा। और इसलिए आज ये शुभ समाचार लेकर मैं बीच में आया हूँ क्योंकि आने के पहले मैंने पूरी तैयारी कर ली, ये तैयारी करके चलना है। शिवराज क्यों भैया टनाटन ठीक है ना और इसलिए मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, आप चिंता ना करें। देखिए एक तरफ हमको बदलना है सारणी को और दूसरी तरफ हमको बदलना है जनता की जिंदगी को। जनता का जिंदगी बदलने का एक अभियान मैंने चलाया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों आप आमला से आए होंगे, पाथाखेड़ा बंदोना से आए होंगे, आसपास के गांव से आए और सारणी से आए। मेरी जिद है, मेरा जुनून है, मेरा जज्बा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर मैं गरीबी रहने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूंगा। और ये केवल मेरा भाषण नहीं है बहनों और भाइयों, कांग्रेस वर्षों तक नारे लगाती रही गरीबी हटाओ के गरीबी हटाओ।